ऑडियो टू सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सफल दाम्पत्य के व्यावहारिक सत्य। अभी कुछ समय पूर्व एक पाश्चात्य कलाकार दंपति ने अपने विवाहित जीवन की 25वीं वर्षगांठ मनाई। उन्होंने विवाहित जीवन के ये 25 वर्ष बड़े आनंदमय वातावरण और शांति से व्यतीत किए हैं। उन्होंने अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के निम्न 16 सूत्र बतलाए हैं। आशा है इनसे अन्य विवाहित दंपति लाभ उठाएंगे, साथ ही सुखी विवाहित दंपति भी इन्हें अपनाकर सुख में वृद्धि कर सकेंगे। पहला, अपने साथी को, पति पत्नी को, पत्नी पति को सच्चे हृदय से प्यार करिए। प्यार का तात्पर्य है साथी के दोषों और गलतियों को सहानुभूति पूर्वक क्षमा करते रहना। दूसरा, यदि आपस में मतभेद या कोई गलतफहमी हो जाए तो जल्द से जल्द उसे दूर करने का प्रयत्न कीजिए। अहम भाव से सदा दूर रहने का प्रयत्न कीजिए। सरलता, मधुर भाषण और क्षमाशील स्वभाव से दाम्पत्य जीवन के सूखते हुए वृक्ष में भी सरसता आ सकती है। तीसरा, एक दूसरे पर अविचल विश्वास रखिए। संदेह को पनपा कर ही अनेक दाम्पत्य परिवार आज कष्ट भोग रहे हैं, इसलिए संदेह के इस विष वृक्ष को पनपने ही न दीजिए। चौथा, सब परिस्थितियों में एक दूसरे का पूरा साथ दीजिए। कष्टों को साथ सहकर और सुखों के दिन भी साथ रहकर काटिए। आर्थिक, सामाजिक आदि सब कार्य साथ साथ संपन्न कीजिए। बीमारी, पीड़ा, दुखी मानसिक स्थिति में एक दूसरे को पूरा पूरा साथ दीजिए। पांचवा, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। पति पत्नी दो शरीर एक प्राण होना चाहिए। संकुचित स्वार्थ को तिलांजलि देकर ही आप दाम्पत्य जीवन का सच्चा आनंद लूट सकेंगे। छठवा, यथा संभव एक दूसरे की आलोचना से बचिए। कमजोरी और दोष किसमें नहीं है, सर्वगुण संपन्न कौन है। यदि आप परिवार में सुख और शांति चाहते हैं तो दूसरों में दोष ढूंढने की आदत ही त्याग दीजिए। दोष निकालते रहने से परस्पर कटुता की भावना पैदा होती है और विश्वास नष्ट होता है, अतः दोष दर्शन से बचिए। सातवां, स्वेच्छाचारी मत बनिए। दोनों हर काम एक राय से करिए। कोई काम अपने साथी से छिपाकर मत करिए। आठवां, अधिकार और बड़प्पन की दुर्भावना को छोड़ दीजिए। नौवां, सदा मुस्कुराते रहिए। दाम्पत्य जीवन में मुस्कुराना, हंसना और मनोरंजन भोजन से भी अधिक आवश्यक है। दसवां, पहले आपका सुख पीछे मेरा, यह भावना घर को स्वर्ग बना देगी। अपने सुख को सदा पीछे रखिए। ग्यारहवां, किसी भी बात को सदा सीधे ढंग से समझाइए। साथी पर व्यंग मत कीजिए, न उसे डांटिए और न उस पर झुंझलाइए। बारहवां, आपस में शिष्टाचार बरतिए। पारिवारिक जीवन में अशिष्ट व्यवहार सर्वथा निंदनीय एवं त्याज्य है। तेरहवां, अधिक कामुक मत बनिए। अधिकांश दाम्पत्य जीवन इसी कलंक से दुखी हैं। चौदहवां, परिवार के सदस्यों की टीका टिप्पणी न करें। पंद्रहवां, सादा जीवन बिताइए। विलासिता की वस्तुओं से यथासंभव बचते रहिए। सादगी सबसे बढ़िया फैशन है। सोलहवां, घर में प्रवेश करते ही हम बाहरी झंझटों को बिल्कुल भूल जाएं। घर में तो बाहरी झंझटों की चिंताओं से मुक्त होकर परस्पर प्रेम और आह्लाद का आनंद लूटना चाहिए। इसलिए अपनी व्यवसाय संबंधी अड़चने और चिंताएं अपने व्यवसाय के स्थानों पर छोड़कर घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इस प्रकार जो दंपत्ति जीवन में इन 16 सूत्रों को उतारने का प्रयत्न करेगा वह अपने जीवन को अवश्य आनंदमय बना लेगा। पति पत्नी का प्रेम बरसाती नाले के समान अल्पकालीन नहीं, सदा बहने वाली नदी की तरह स्थायी होता है। नदी जब पर्वतों से निकलती है तो क्षीणकाय तथा तीव्र गामिनी होती है। मार्ग की चट्टानों से टकराती हुई, शोर करती हुई बहती है। उसमें जल कम और प्रवाह अधिक होता है। विवाह के आरंभिक दिनों में पति पत्नी के प्रेम की यही स्थिति होती है। उसमें भावुकता का प्रवाह अधिक तथा विवेकशीलता का जल कम होता है।
जो पति पत्नी केवल भावुकता का प्रवाह भर होते हैं, वे बरसाती नाले की तरह शीघ्र ही सूख जाते हैं। जहाँ विवेक का जल होता है, वे निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने कलेवर को बढ़ाते चलते हैं। रूप यौवन का आकर्षण अधिक दिनों तक पति पत्नी को बांध कर नहीं रख सकता। रूप की अपनी कोई मर्यादा नहीं है, यह मनुष्य के मन की उपज है। एक अफ्रीकी हप्शी के लिए काला रंग, मोटे होंठ तथा चपटी नाक सुंदरता की निशानी है। एक अमेरिका निवासी गोरे व्यक्ति के लिए यह सब कुछ कुरूपता का मानदंड हो जाता है। चीनी छोटे पांवों को सुंदर मानते हैं। हमारे देश में काले कमर तक लहराते बाल सुंदर माने जाते हैं, तो इंग्लैंड में भूरे और छोटे छोटे गर्दन तक लंबे। रूप स्थायी भी तो नहीं होता, आयु के साथ ढल जाता है और अस्वस्थ होने पर बिगड़ जाता है। जो रूप को देखते हैं, वे उसके समाप्त होने पर कैसे अपने जीवन साथी को प्यार कर सकेंगे? रूप देखना ही है तो मानसिक सौंदर्य में देखना चाहिए। सच्चा परिचय तो मानसिक ही होना चाहिए, यही प्रेम का आधार होता है। इसे बढ़ाया जा सकता है सद्विचारों से, सद्गुणों से तथा सत्कर्मों से। मानसिक सौंदर्य को बढ़ाते रहने से व्यक्तित्व में निखार आता है। यह निखार परस्पर प्रीति बढ़ाने में पर्याप्त होता है। यौनाशक्ति भी दाम्पत्य प्रेम का आधार नहीं हो सकती। स्त्री पुरुष का शारीरिक अंतर मात्र आकर्षण का केंद्र नहीं होता, शरीर के पीछे मन भी लगा होता है। पुरुष कठोर परिश्रमी बुद्धि प्रधान होता है, स्त्री कोमल सहनशील तथा भावना प्रधान होती है। यही अंतर स्थूल रूप से शरीर की आकृति में भी स्पष्ट होता है। आजकल यह भ्रांति बुरी तरह फैल रही है कि पति पत्नी के प्रेम को स्थायी रखने के लिए शारीरिक समानता का रूप रंग गठन आदि का समान होना आवश्यक है। यह नितांत भ्रामक है। मिलन तो उनके गुणों का होना चाहिए। पति अपनी पत्नी से सहनशीलता तथा भावनाओं का अनुदान प्राप्त करता है, पत्नी अपने पति से शारीरिक श्रम तथा बुद्धिमत्ता का लाभ उठाती है। परस्पर एक दूसरे के पूरक बनकर पूर्णत्व की प्राप्ति करना ही इस विभिन्नता का परिणाम है। शारीरिक संसर्ग की अपनी मर्यादाएं हैं। इन मर्यादाओं को तोड़ने पर स्वास्थ्य हानि तथा मानसिक दुर्बलता का शिकार होना पड़ता है। प्रकृति ने स्त्री पुरुष के संसर्ग में जो अनूठे स्पर्श सुख का सृजन किया है, उसके पीछे एक ही कारण है कि इससे आकर्षित होकर व्यक्ति सृष्टि क्रम को चालू रखे, संतानोत्पादन करे। इस सुख की अनुभूति भी मर्यादित रहने में ही होती है। इस रहस्य पर आवरण पड़ा रहता है तभी सुख है। शारीरिक संसर्ग से जितना बचा जाए तथा मानसिक अनुदान जितना अधिक ग्रहण किया जाए, उतना ही पारस्परिक प्रेम बढ़ता है। स्त्री पुरुष का भेद प्रकृति ने जितना नहीं बनाया है, उतना मनुष्यों ने उसे बना दिया है। जिस प्रकार दो पुरुष परस्पर सहयोगी, भाई, मित्र, परिजन आदि होते हैं, उनमें परस्पर प्रेम होता है। यह प्रेम उच्च कोटि का भी हो सकता है। भाई भाई के लिए सब कुछ त्याग सकता है, मित्र अपने मित्र के लिए प्राण विसर्जन करने से भी नहीं हिचकिचाता। महिलाओं में भी आपस में ऐसा प्रेम देखा जा सकता है, ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। लिंग भेद की यह धारणा मिटा दी जाए तथा पति पत्नी एक दूसरे को अपने साथी सहयोगी के रूप में स्वीकार करके आपस में वैसा ही प्रेम करें, तो यह प्रेम की बेल जीवन भर बढ़ सकती है। शारीरिक भेद को भुलाकर किया गया वह प्रेम ही सच्चा दाम्पत्य प्रेम होता है। सदियों से मन मस्तिष्क में बैठी यह भावना नहीं मिट सके तो भी पत्नी को रमणीय स्वरूप में देखना हितकर नहीं होता। संबंधों में जितना शारीरिक लगाव कम होता है, प्रेम उतना ही प्रगाढ़ होता है। माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई बहन आदि का प्रेम शारीरिक लगावों से रहित होने के कारण पवित्र कहलाता है तथा चिरस्थायी होता है। पत्नी भी दिन भर माता भगिनी की तरह ही सेवा करती है, प्रेम करती है। पति भी दिन भर पिता की तरह जी तोड़ श्रम करता है, अच्छी अच्छी वस्तुएं जुटाता है। यह पवित्रता जितनी अधिक बनी रहेगी, उतना ही दाम्पत्य जीवन चिरस्थायी तथा आह्लादकारी बना रहेगा। कामिनी के रूप में पत्नी को महत्व देना पाशविक ही कहा जा सकता है।
पाशविक प्रेम में स्थायित्व की आशा भी व्यर्थ होती है। जीवन साथी का चुनाव स्वयं ने किया हो अथवा अभिभावकों ने, उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। दाम्पत्य जीवन की सफलता तथा परस्पर प्रेम का विकास करने का दायित्व दोनों पर होता है। विवाह के पश्चात दोनों के सुख दुख एक ही हो जाते हैं। हमारे देश में पुरुषों का काम उपार्जन तथा स्त्री का काम गृह संचालन माना जाता है। यह कार्य विभाजन शारीरिक मानसिक समताओं को दृष्टिगत रखकर किया गया है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक दंपत्ति इसका पालन करें। एक दूसरे की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसमें एक दूसरे का सहयोग भी रहना चाहिए। इस प्रकार का सहयोग प्रेम में वृद्धि करता है। पति यदि पत्नी के घर के कामों में हाथ बटा दे तो उसे परम सुख मिलता है। इसी प्रकार पत्नी पति के व्यापार आदि में सहयोग परामर्श दे सकती है। पति पत्नी को एक दूसरे का यथार्थ रूप लेकर चलना आवश्यक है। मनुष्य में गुण दोष होने स्वाभाविक है। गुणों में एकदम वृद्धि तथा दोषों को एकदम मिटाना संभव नहीं। जैसा भी यथार्थ स्वरूप एक दूसरे का है, उसी के अनुरूप एक दूसरे से आशा रखी जाए। पति यदि नारी की आदर्श प्रतिमा को अपने मन मस्तिष्क में बिठाए रखे व अपनी पत्नी से वैसा ही व्यवहार चाहे, पत्नी भी पति के ऐसे ही आदर्श स्वरूप को लेकर चले और पति को उस कसौटी पर कसे, तो दोनों के हाथ निराशा ही लगती है। प्रेम के स्थान पर कटुता आरंभ होने लगती है। यथार्थ स्वरूप को सामने रखकर चलने से एक दूसरे को आशा से अधिक ही स्नेह सहयोग देते हैं तथा परस्पर प्रेम बढ़ता है। कोई पक्ष यह नहीं चाहता कि वह अनुपयोगी सिद्ध हो। पति के हाव भाव, क्रियाकलाप तथा कथन द्वारा इस बात की पुष्टि होती रहे कि पत्नी उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। उसकी आवश्यकता जैसी विवाह के समय थी, वैसी ही आज भी है, तो पत्नी की दृष्टि में उसका सम्मान बढ़ जाता है। यही पत्नी के व्यवहार से भी झलके कि उसे अपने पति वैसे ही लगते हैं जैसे विवाह के समय लगते थे, तो दाम्पत्य स्नेह के सूत्र और भी दृढ़ हो जाते हैं। इस उपयोगिता को जताने के लिए प्रशंसा करना, प्रेम प्रदर्शन करना आवश्यक है। यह क्रिया जितनी बार दोहराई जाएगी, परस्पर नवीनता तथा आकर्षण बना रहेगा। प्रशंसा करने में इस बात का ध्यान रहे कि प्रशंसा कार्यों की तथा गुणों की ही हो। शरीर तथा सौंदर्य की प्रशंसा शारीरिक आकर्षण को जन्म देती है। सत्कार्यों तथा गुणों की प्रशंसा एक दूसरे का सम्मान तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ उनकी और वृद्धि करने का उत्साह भी जगाती है। मनुष्य से भूल होना अस्वाभाविक नहीं। भूल पति से भी होती है तथा पत्नी से भी। भूलों को सुधारना भी आवश्यक होता है। भूल सुधार का क्रम भी प्रशंसा की तरह ही चलता रहना आवश्यक है, किंतु सुधार का यह क्रम इस प्रकार न हो कि एक दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। भूल सुधारने स्वीकारने के लिए वही पक्ष सामने आए जिसने भूल की हो तो सराहनीय ही कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष उसके इस साहस की प्रशंसा करे तो उसके मन पर इसका अच्छा प्रभाव तो पड़ेगा, साथ ही अपने जीवन साथी पर उसे गर्व भी हो जाएगा। भूल या गलती करने वाला उसे स्वतः स्वीकार न करे तो दूसरे को सहन कर लेना ही ठीक रहता है। यदि सह सकने योग्य न हो तो उसे अपनी भूल विनम्र शब्दों में बता दे जिससे कि उसे बुरा न लगे। पति पत्नी के स्वभाव तथा रुचि में भिन्नता हो सकती है। विवाहोपरांत यह भिन्नता पूरी तरह मिटाना आवश्यक नहीं होता। एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे की रुचि तथा स्वभाव का सम्मान करने से उनके हृदय में परस्पर सम्मान बढ़ जाता है। ये असमानताएं या तो स्वयं समाप्त हो जाती हैं या एक दूसरे की आदत में आ जाती हैं। पति पत्नी कर्तव्य से तो बंधे ही होते हैं, भावनाएं भी उन्हें बांधती हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेना तथा उनका सम्मान करना दाम्पत्य रूपी भवन की नींव होती है। यह प्रवृत्ति दोनों के हृदयों में मधुरता की सरिता बहाती रहती है। जरा से इंगित पर या बिना कुछ कहे अपने जीवन साथी की इच्छाओं को जान लेने तथा तदनुरूप आचरण करने वाले दंपत्ति एक दूसरे के सर्वस्व हो जाते हैं। जो दंपत्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं,
उनका परस्पर स्नेह घटता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वे एक दूसरे को चाहते हुए भी प्रेम नहीं दे पाते। ये बातें साधारण सी होती हैं, किंतु महत्वपूर्ण होती हैं। एक दूसरे के लिए कोई उपहार लाने, सेवा करने आदि में जो समर्पण की भावना जुड़ी होती है, उसको समझा ना जाए, उसे प्रशंसा के जल से सींचा ना जाए, तो यह प्रेम बेल सूखने लगती है। पति पत्नी का प्रेम एक सुंदर सुसज्जित प्रासाद होना चाहिए। प्रेम के इस पथ में खंडहरों का कोई मूल्य नहीं होता। खंडहरों में निराशा, दुख, शोक, क्लेश, उत्पीड़न आदि जैसे कीड़े मकोड़े, उल्लू व चमगादड़ निवास करते हैं। जीवन भर साथ निभाने तथा पुलकने, हंसने खेलने, अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्वों को निभाते रहने वालों का प्रेम ही सुरम्य प्रासाद कहा जा सकता है, जिसमें स्नेह, सौजन्य, आशा, उत्साह, दया, प्रसन्नता, श्रीमेधा आदि सद्गुण निवास करते हैं। ऐसे सुरम्य प्रासाद मिलकर ही समाज रूपी सुंदर नगर का निर्माण करते हैं। यह तभी हो सकेगा जबकि पति पत्नी ऐसा विवेक अपनाएंगे। प्रायः हर पति पत्नी दाम्पत्य सूत्र में बंधने के पूर्व और विवाह के आरंभिक काल में अपने दाम्पत्य जीवन की सुखद कल्पनाएं और उसे सफल सार्थक करने का उल्लास उमंग लेकर चलते हैं, किंतु देखने में आया है कि उसमें कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़कर शेष के वे स्वप्न साकार नहीं हो पाते और उनकी वे उमंगें कुंठित हो जाती हैं। इसका कारण उन भावनाओं और सपनों को सत्य करने की व्यावहारिकता से वे अनभिज्ञ थे, अतः चाहते हुए भी अपनी दाम्पत्य बगिया के पुष्पों को महका न सके और वे असमय ही मुरझा गए। व्यक्ति की असफलता उसके जीवन को, उसके हर क्रियाकलाप को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। तद्विषयक कुछ व्यावहारिक सूत्र नीचे दिए जा रहे हैं। जीवन पथ के दो सहयात्री पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन में प्रविष्ट होने के पूर्व या प्रारंभिक दौर में जो संकल्प लेकर चले थे, परस्पर जो अनुराग लेकर चले थे, उनके आगे के जीवन के कड़वे मीठे अनुभवों के मध्य उन पर गर्द जमती जाती है, अतः उन्हें समय समय पर दोहराने, नवीनीकृत करने के प्रयास, पारस्परिक प्रेम प्रदर्शन जिसमें दैहिक कामनाएं जुड़ी न हो, प्रदर्शित करना बहुत आवश्यक और उपयोगी रहता है। विवाह के समय लिए गए संकल्पों को विवाह दिवसोत्सव के रूप में विवाह की विधि से ही मनाकर जिस प्रकार रेडियो लाइसेंस नवीनीकृत करते हैं, प्रतिवर्ष विवाह के संकल्पों का भी नवीनीकरण करना अच्छा और उपयोगी रहता है। बीच बीच में और संभव हो सके तो प्रतिदिन प्रेम प्रदर्शन के लिए पारस्परिक सेवा का उपक्रम चलाया जाना भी बहुत उपयोगी है। पत्नियां तो प्रायः प्रतिदिन भोजन बनाने, कपड़े धोने व अन्य सेवा कार्यों द्वारा पति के प्रति अपने सहज अनुराग को सहज प्रदर्शित करती रहती हैं, किंतु पति प्रायः बाहरी काम को महत्व देने और पत्नी के इन कार्यों को केवल उसका दायित्व समझकर उसके साथ जुड़ी भावनाओं तक पहुँच नहीं पाते हैं, जबकि पत्नी चाहती है कि उसके इस अनुराग को समझा जाए। उसकी प्रशंसा अथवा छोटी मोटी सेवा कोई आर्थिक सामर्थ्य के दायरे में रहकर दिए प्रेमोपहार के रूप में प्रकट होती रहनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस प्रकार पीतल के सुंदर लोटे को प्रतिदिन नहीं मांजने पर वह काला पड़कर मैलग्रस्त और भद्दा हो जाता है। ऐसे ही पति पत्नी के प्रेम में भी ऐसी ही शुष्कता आती जाती है, जो यूं तो अभिव्यक्त नहीं होती, पर कभी अवसर पाकर आत्मा पर चढ़ने वाले कषाय कलमशों को धोने के लिए प्रतिदिन उपासना की जाती है। वैसे ही पति पत्नी को अपनी दाम्पत्य सरसता मंदाकिनी को सतत प्रवाह मान रखने के लिए किसी न किसी प्रकार अनुराग प्रदर्शन का और उसके प्रति उत्तर देने का क्रम चलाते रहना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि संतान के आने के पूर्व तक पति पत्नी में काफी सरसता बनी रहती है। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। संतान हो जाने पर दोनों का स्नेह थोड़ा थोड़ा उनकी ओर बढ़ जाता है। उसकी ओर स्नेह बढ़ जाना अस्वाभाविक भी नहीं है, किंतु ऐसा भी होता है कि उनके आने से पहले उन्होंने जो एक दूसरे के साथ एकांतिक संगति भोगी थी, उसकी आदत उसके उतने न सही, थोड़े अंश में ही सही,
परितृप्ति चाहती है, जबकि पति पत्नी उपार्जन गृहस्थी में फंसकर उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते, किंतु वह पहले वाली मानसिक भूख तो परितृप्ति चाहती ही है, भले ही पेट की भूख की तरह उस भूख की प्रतीति न हो। दिन भर में थोड़ा सा ही समय सही, पर वह पति पत्नी का अपना हो, जिसमें किसी दूसरे का हिस्सा न हो। यहाँ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यह प्रेम प्रदर्शन दैहिक कम मानसिक अधिक हो। यह सत्य सिद्ध है कि दाम्पत्य माधुर्य में दैहिक संसर्ग प्रायः विरक्ति पैदा करता है और मानसिक संसर्ग अनुरक्ति। दो मित्रों के बीच बिना किसी दैहिक आकर्षण से उत्कृष्ट प्रेम रह सकता है, जबकि यहाँ माता पिता भाई बहन जैसा कोई प्राकृतिक रिश्ता नहीं होता। फिर भी यदा कदा एक मित्र दूसरे के लिए जान तक न्योछावर करने को तत्पर हो जाता है, यह मानसिक अनुरक्ति का ही परिणाम होता है। पति पत्नी के बीच भी यह मानसिक परिचय, मानसिक अनुरक्ति जो दिव्यता और स्थायित्व उत्पन्न करती है, वैसा शारीरिक संसर्ग कदापि नहीं। वस्तुतः शारीरिक सम्मिलन के पीछे प्रायः मूल भाव अपने अनुराग का प्रदर्शन ही होता है। यदि इस ओर पति पत्नी प्रवृत्त हुए तो उनमें शक्तियों के चरण के साथ साथ और भी कई समस्याएं खड़ी होती हैं। मनोरंजन का भी दाम्पत्य संबंधों को सफल बनाने में व्यावहारिक महत्व है। पत्नी प्रायः घर में ही रहती है, इससे उसके जीवन में एक रस्ता आ जाती है। यह एक रस्ता स्वास्थ्य व व्यवहार पर प्रभाव डालती है, वह कुछ उदासीन सी रहने लगती है और पति उसके व्यवहार में अंतर पाता है तो उसे अपनी उपेक्षा समझ बैठता है। अतः दूसरे तीसरे दिन या सप्ताह में कोई कोई छोटा सा कम खर्च का मनोरंजन कार्यक्रम बनाकर उसे क्रियान्वित करते रहना चाहिए। जिनके पास समय और सुविधा है वे रोज थोड़ी देर के लिए बच्चों सहित टहलने जाया करें तो यह व्यायाम और मनोरंजन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। घर में रेडियो आदि मनोरंजन के साधन हो तो अच्छा रहता है, किंतु दिन भर फिल्मी गाने सुनने या आए दिन सिनेमा देखने के मनोरंजन से प्रायः बचना ही ठीक रहता है।